करना सागर प्रभु जी के प्रेम मुक्ति से बंधु भाई और बहनों, भजन गाने में बड़े आनंद आता है, इसमें कोई शक नहीं। और हमने जब अखिल में गाया, पहले भी बहुत भजन गाया, फिर दूसरा गाया, और कभी गई दोनों गीत से चलना से मौज बड़ी, ठीक है। मौज तो है, पर तुम मौज लेने के लिए जाते हो उनके चरणों में, वो तो मेला नहीं है, ये स्कूल है। बच्चों को स्कूल में दाखिल कराते हैं, खेलने खेलता कूदता तो है, खुश होता है, ड्रेस पहन के जाता है, बड़ा पसंद होता है, लेकिन इसीलिए नहीं जाता, कुछ करने के जाता है, शिक्षा के लिए जाता है। गुरु के पास जाएगा तो सब लक्ष्य रखते हैं, तुमने ये पढ़ना है और एक साल में अगली जमात चढ़ना है। जब हम प्रभु जी चरण में आते हैं तो प्रभु जी भी हमारे सामने कोई लक्ष्य रखते हैं, और आनंद तो है लेकिन लक्ष्य भी है। और प्रभु जी का लक्ष्य वही है जो शास्त्रों ने ऋषि में हमारे सामने रखा है, जीवन का लक्ष्य मोक्ष। इसको अगर विद्यार्थी भूल जाए कि मैंने एक साल बाद परीक्षा देकर दूसरी जमात में चढ़ना है, तो मौज लेता रहेगा, पड़ेगा नहीं। और इसी तरह वो भी कहते हैं जीवन में एक लक्ष्य है, और उस लक्ष्य के लिए प्राप्ति करने के लिए जीवन में रहे तो जीवन की भी सीमा है। दो चीजें याद रखनी होती हैं, एक मुक्ति और एक मौत। जो मुक्ति और मौत को याद नहीं रखता वो लक्ष्य चूक जाते हैं। कोर्स तो साल बार एक रहना, और किताबें हैं तीन चार पांच कोर्सेज हैं। एक विद्यार्थी आया कि मैं तो बड़ी की, मैं तो मैथमेटिक्स में रह गया, तो फिर फेल हो गया, मैथमेटिक्स में मैंने फेल कर दिया। तो मैं याद आया, ठीक, हम पढ़ के जा जाते हैं, हमेशा कहते हैं कि जीवन छोटा है, साल भर की उसकी परीक्षा है, हमारा भी जीवन सीमित है, और कोर्सेज बहुत है। हमें प्रभु ने उससे पिछले पांच कोर्स लिए, हमें प्रभु ने तीन कोर्स लिए, अब ये तीनों में पास हो जाओगे तो मुक्त। एक साल है और एक जीवन है, पांच कोर्सेज है, तीन तीन विषय है, तो हमें तीन विषयों में अगर पास हो गए ना तो बस मुक्ति मिल जाएगी एक जीवन के लिए। और फेल हो गए तो या तो जो बहुत नालायक होते हैं उस स्कूल से निकाल देती है, और जो लायक होता है चलो अगले साल बढ़ेगा, ये हमारा हाल है। अगर हम नालायक हुए ना तो मुझे जन्म से निकाल देंगे, और कुछ हुए तो फेल हुए एक सब्जेक्ट में चलो अगला जन्म से मिल जाएगा, ये बिल्कुल सच्चाई है। इतनी योनी है हमारे सामने तो है, तो हमें उन तीन कोर्सों का ध्यान रखना है। तीन कोर्स के हैं देह मन और बुद्धि। अगर एक में फेल हो गए ना, एक आदमी था बड़ा भगत था, विद्वान भी था, अर्थात मन में भी भक्ति करता था और ज्ञानी भी था, मन में लगा कहता अगर मेरा शरीर ठीक रहता
तो मैं कुछ कर जाता, शरीर ही ठीक रहा, मैं सब तरफ रहा। तो गुरु आए, देखो तुम्हें हमने बताया था ना योग किया करो, शरीर ठीक रहा था तो फेल हो गए एक सब्जेक्ट में। अब फिर अगले जन्म से तो ये कभी ये कोर्स है हमारे सामने, ये बिल्कुल ठीक है, डेफिनेट है, हमें पास होना है। ये नहीं कि एक चीज एक सब्जेक्ट पढ़ते रहो दूसरे फेल जाओ। तो ये तीनों की तो ध्यान रख लें, भीले बड़ी ने हमारे घाट छोड़ दिया, कोर्स तो लंबा है, परंतु कहा कि तुम्हारी जमात के लिए इतना ही काफी है। हम क्या कहते हैं, नृत्य कहते हैं, ब्रह्मन कहते हैं, प्राणियों कहते हैं, पांच पांच मिनट लगते हैं, नृत्य में पांच मिनट, ब्रह्मन में पांच मिनट और प्राणायाम में सात आठ दस मिनट, कोई बड़ा काम नहीं है। और आसन में बीस पच्चीस मिनट, ये जो अगर बच्चा कहते हैं देखो तुमने साहब में पास हो गया तो बैठ के पांच चार सवाल कर लिया करो, करते हो तो यही तो मार देते हैं थोड़ा देर। अगर वो रोज नहीं करेगा तो अंत में कहेगा मैं तो फेल हो गया, या साहब में फेल हो गया, तो हो गया फिर नहीं किया ना। तो हम अगर हम रोज ये शरीर के लिए आधा घंटा ये तीनों चार चीजें कोर्स, आप देख रहे कि हमें योग के ऊपर विचार कर रहे हैं कितना लंबा कोर्स है, दो महीने हो गए, तीस लेक्चर हुए, तीस लेक्चर हुए, दो कितने महीने हो गए, और इतना बड़ा कोर्स अभी खत्म नहीं हुआ, अभी पता नहीं साल दो साल और चलेगा इतना कोर्स, पर इतने दस मिनट लगा लिया करो, सारा करा करो। तो ये हमने छोड़ी, हम कोई विद्यार्थी है इधर ध्यान ही देता और उधर भटकता रहता है, समय तो बीत जाना है, साल बाद नंबर कम आएंगे फेल हो जाएगा। इसलिए कहा साल एक है, जीवन एक है, अपने पास होने का मोक्ष का ध्यान रखें और मौत का ध्यान रखें, मो माँ दोनों, मौत और मोक्ष, ये दोनों माँ जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। और हम दोनों को भूल जाते हैं, ना कभी मौत याद रखी और ना कभी मोक्ष आया याद, और प्रभु जी कहें ये दो लक्ष्य हैं हमारे पर, समय सीमित है और जीवन में मुक्ति प्राप्त करनी है, मोक्ष को मुक्ति को निर्वाण को कुछ को। दूसरा लक्ष्य हमारा, दूसरा सब्जेक्ट समझे भोग दिया है माने, क्योंकि तीन चीजें हृदय और मन, मन शरीर भी जो है जरा बीमार हो जाता है, आज कल था आज मुझे कब्जी है, कल मुझे बुखार है, परसों मुझे बुखार पीलिया हो गया, चौथ मेरी आंखें खराब हो गई, कितना चंचल है मन, पर मन इससे भी चंचल में, इसी लक्षण कहता है चंचल में मना कृष्ण परमात्मा बार बार जो ये तो उससे भी है। तो मन उसके लिए तो प्रभु जी ने दे दिए, मन के लिए यही दिया कृष्ण ने भगवान अर्जुन का, अगर तुम कहते हो ना मन चंचल है तो किले में बांध दो मंदिर ऐसे, तो मन को मेरे चंचल चरण में बांध दो, कहा ना आनंद तो है पर बांधना मुश्किल है ना, जहां वो आनंद है तो बांध दो प्रभु को चरण में रखो जाओ। मैंने वो दिवस रखे हम इस दिन क्या बोले, राम लाल दुनिया में एक ही लाल है बस, मारे दूसरे कोई नहीं, कोई खुदा नहीं मारे, वह राम लाल। और उसे मालूम भक्त वही जो ले इसको अपने चित्त में संभाल, मैं कोई राम लाल का दो मान जाते उठा कर उसी ना करूं, तो पहले और किया था
बात तो दुआ तो बना है, अब बात पूरी करनी है तो हमें अपने हृदय में उसको संभाल लेना चाहिए। यही है दूसरा काम कि मन को बांधो, जो चंचल चीज होते हैं, अब बंदे हो या कोई भी जानवर हो, कुत्ता हो, बंदर हो, कुछ हो, बैल हो, किले में बांधे तो टिक जाते हैं, नहीं टिकेगा। अभी हम गौ को ना बांधे तो गौ हमारी सारा खेती चल जाएगी, कुत्ते को ना बांधे कुत्ता हमारे रसोई में चला जाएगा, और बंदर आ गए तो बंदर तो उजाड़ कर देते हैं। तो मन तो उससे भी ज्यादा खराबी करता है, तो मेरे का बांध दो, ये देखो मन का साफ हो गया। और बुद्धि, बुद्धि को कहते हैं एक शब्द गीता में शब्द होते हैं स्थित प्रज्ञ या बुद्धि योग, एक बात है बुद्धि को योग में लगा दो, स्थित प्रज्ञ हो जाओ। और वहां जो स्थित प्रज्ञ कैसे होता है, स्थित प्रज्ञ की भाषा क्या मतलब होता है, स्वप्न का स्थित प्रज्ञ होता है कर्मयोग, कर्मयोग का नाम स्थित प्रज्ञ है, उसी जो स्थित प्रज्ञ का उसे कर्मयोग का उसे ये कहा तीनों चीजें। अब उसको हमें करना है, उसके लिए ग्रंथ तो प्रज्ञा दे दिया गीता, और वो स्थित प्रज्ञ बनने के लिए क्योंकि बुद्धि जो है बुद्धि शिरोमणि है, ये स्थित प्रज्ञ हो जाए मन को भी समझाएगी, बुद्धि को भी समझाएगी, शरीर को भी समझाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो त्रिवेणी है ना कर्मयोग की, उसको संभाल के रखें। ये ठीक है प्रयागराज में त्रिवेणी है, स्नान करने से शांति मिलती है, हमारा तीर्थ महान तीर्थ है, परंतु वो तो एक बार जाके ना आएंगे, यहाँ तो हमारे पास ही है ना, हम तो रोज नहाना उसमें, और जिसमें नहाएगा वो तर जाएगा, कहते हैं वहाँ जाकर स्नान कर लेता है उसको क्या कुछ नहीं मिलता, यहाँ भी क्या कुछ नहीं मिलता उसको। तीन चीजें हैं उसको हमेशा याद रखनी चाहिए, ये तीन कोर्सेस और तीन त्रिवेणी के कोर्सेस। एक है कि हमारा मन जो दुनिया से हट जाए, दुनिया फंसा रहेगा तो योग क्या हुआ, फिर कर्म योग होगा, मन दुनिया से रह परे करो, दुनिया में रह कर दुनिया से परे करो। और स्वामी जी पारे कहते थे देखो ये जो परिवार है ना जिससे मेरा प्यार है, ऐसा परिवार पहले ही मिला था और फिर भी मिलेगा, ये नहीं कभी मिला है, वो जो पीछे छोड़ा है याद है, जो इस परिवार को भी इसी जीवन के अंदर मन से दूर रखता है, मन को नहीं फंसने देता, ये समझ करके ये भी पिछली तरह ही है, तो इसी विचार से ख्याल छूट गए, बिना विचार के नहीं व्याग होता, विचार में व्याग करना पड़ता है। तो वो विचार करें कि जो चीज है, अब माता जी ने घर बनाया कहाँ है, माता जी हर वो सारे को छोड़ना पड़ता है, राजाओं को बादशाहों को छोड़ना पड़ता है, कोई अपना समझता है कोई अपना समझता है छोड़ के चला गया, हिंदुस्तान के बादशाह छोड़ के चले गए, हमारे प्रधानमंत्री छोड़ के चले गए, राष्ट्रपति छोड़ के चले गए, मकान वाले मकान छोड़ के चले गए, परिवार वाले परिवार छोड़ के चले गए। ये अगर सोचे तो ये मर्द क्षण भंगुर है, जो कहते हैं। तो इसमें फिर कुछ वैराग्य पैदा होगा, बिना विचार के नहीं होगा, तो ये वैराग्य कुछ पूर्व जन्म के संस्कारों से होता है और कुछ सत्संगति से होता है और कुछ स्वाध्याय से होता है। हम तीनों करें, पूर्व जन्म के संस्कार तो हम हैं हमारे पर, वो तो हम उस पर हमारा वास नहीं है, लेकिन सत्संगति सत्संग तो है ना,
पर स्वाद है भी है, करें हम भी नहीं करते। सत्संग में कई सत्संग ऐसे हैं बस सुनने के लिए जाते हैं, श्रवण मनन इंद्रियासन जाने सुन लेते हैं, उस पर विचार ही नहीं करते और फिर अमल भी नहीं करते। पर जो कर वो तो सत्संग का पहला लाभ नहीं होता, और स्वाद है। ऋषि कृत ग्रंथ है, उनके रामायण है, गीता है, वेद है, जिसमें कुछ शिक्षा मिले इस किस्म की, उसको हम पढ़ते रहें मनन करते रहें तो हो जाएगा ना। ये काम बड़ा मुश्किल है। बात यह है कि जोके होते हैं, जोके चमड़ जाती है उनकी, उसने ये संसार जोके लगवाए, दुनिया पर तो जोके लग गए, अब वो निकलते नहीं, चूस लेगी हमें पर फिर भी छूटेंगे नहीं। तो हमने किसी तरह से बचने बचने लगाया, तो इसलिए वैराग के ऊपर जितना विचार करें उतने थोड़े, पर सोचें किस तरह हम संसार के इस मोह से छूटे। मोह किसका? माया का मोह, यह मोह माया, तो दो शब्द है ना, मोह और माया, मतलब मोह जो है माया से होते हैं, ये माया कई रूप थे, माया माँ ठगनी हम जानी कबीर कहे, कहते किसी को तो तीर्थ चमड़े हुए, किसी को मूर्तियां चमड़ी हुई हैं, किसी को परिवार चमड़ा हुआ है, किसी को धन चमड़ा हुआ है, ये माया कई रूप है। तो कई को कोई आश्रम चमड़ा हुआ है, माया से अधिक रूप है, तो बचना चाहिए। दूसरा है कर्मयोग का, त्रिवेणी का, कि इससे अगर मन हटाएंगे तो अंतर्मुखी हो जाए अंदर। ये सच्चाई नहीं है, बहुत सच्चाई है ना। कौन कहता है कि मेरे अंदर एक आत्मा नहीं है? वो कह सकते हैं, ये तुम कह सकते हैं कि चीजें नश्वर है, आत्मा तो नश्वर ही कह सकते। तो इसलिए योग, कर्म योग का दूसरा जो है वो है आत्मा का चिंतन। आत्मा ने अभी का लेक्चर था दिखाई कि हमें दिखलाई नहीं देती ना, परंतु साधना से दिखाई दे जाती है, और वो साधना से दिखने वाले बहुत थे। राजकुमार ऋषि के पास गए, आत्मा आत्मा करते हैं, वो कहें आत्मा हमें दिखाई देती, क्या आत्मा आपको दिखाई देती है? वो स्पष्ट दिखाई दे रही है, ये फल है मेरे, जैसे ये दिखाई देती है, आत्मा दिखाई दे रही है। अभ्यास दिखाई दे रहा उस योगी था, तो वो भी ये नहीं कि एक आदमी को स्पेशल बनाया भगवान ने, सारे एक जैसे बनाए हैं। जो आप कर सकते मैं भी कर सकता हूँ, जो कोई और कर सकता वो आप भी कर सकते हैं। तो वो आत्मा ऋषि देख सकते, हम भी देख सकते हैं, और एक बार देख लेंगे ना तो भटेंगे नहीं, वो पीछे नहीं छोड़ेगी, अंदर चलते फिरते रोशनी रोशनी रोशनी। स्वामी बैठे होते अंदर मुखी आंखें चढ़ी हुई है, बस बैठे हैं, कैसे बाहर में जाते थे, कहते ये है देखे महात्मा मैंने आते थे, मेरे क्लास मेरे कोलीग तो अब भी हमें जिंदा है, तो स्वामी जी चरण में आते थे, वे देखा महात्मा, बाहर आंखें खुली बाहर ही देख अंतर में, तो 10 साल समाधि में रहे ना, फिर अभ्यास बन गया, इतना लंबे के बाद अभ्यास नहीं होता, फिर देखेंगे हर तो कहते। मैं पूछा महाराज जी, ये कोई कहता है एक भगवान है, कोई कहता है प्रकृति भी है, कोई कहता आत्मा भी है, तीन बड़े आचार्य हुए शंकराचार्य, रामानुचार्य, रामानुज, रामानंद जिनके शिष्य हैं सारे आज, वो क्या कोई सच ठीक थे? कहते मुझे पता नहीं ठीक है नहीं, मुझे ये पता है कि मुझे इन इंटो में भगवान दिखा लग रहा है। अब मैं देखो मुझे इंटो में भगवान दिखा लग रहा है, तो ये है असली चीज जो आत्मा, और मेरे में आत्मा है, तो इस आत्मा के बगैर कोई चीज नहीं है।
जब ब्रह्म सर्व व्यापक है तो एटो नहीं है, सब उनको ये सब अपने अंदर ही बात दिखाई देते, दूसरे दिखाई देते। ये सब एक हम पढ़ते हुए कि जो सब में आत्मा को देखता है वो फिर किसी के साथ क्या बैर देव करेगा। ये है दूसरा जो हमने अपने अंदर देख लिया है कि ये कर्म युक्त ही बनेगा, ऐसा नहीं कि बनेगा। तीसरा कर्म युक्त होता है कि वो लिखा ना कि कर्तव्य को भी मत भूलो। मैं अभी गीता पर रोज पढ़ते हैं, उसमें ऐसा बताते मुझे भी घोटा लग गया। कर्तव्य को मत भूलो। तो कर्तव्य है, बच्चे माया का रूप है जो कि चिबड़े हुए हैं, पर हमारा कर्तव्य बचाया बुला। आज हम कर्तव्य भूले हुए, हमारे परिवार इसलिए बिगड़े हुए हैं कि कर्तव्य बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, परंतु एक ही टीचर ही होता, दो और टीचर ही होते हैं, माँ और बाप। मातृवान पितृवान आचार्य पुरुष वेदा विद्वान तो बनेगा, तीन टीचर मिलेंगे तो एक स्कूल में पढ़े और एक माता पढ़ाए एक बाप पढ़ाए। बाप बाहर का बहुत ज्ञान देगा, माता घर में जाकर बहुत ज्ञान देगी। आज बच्चे नलायक इसलिए हैं कि स्कूल में तो पढ़ाते हैं पर जो माता ने पढ़ाना है वो पढ़ाता नहीं, जो पिता ने पढ़ाना करते। माता में कई चीज सिखाना चाहिए, पिता ने इसको कई आचार विचार की सिखाने होती है, क्योंकि बच्चों को आचार विचार का नहीं पता लगता और लड़कों को घर का नहीं पता लगता क्या करना है। वो एक मैं आ जाती थी यहाँ पर इस मकान में, आदमी आदमी था, लड़की पढ़ी लिखी थी, खाना नहीं पका सकती अपना बड़ी मुझसे बड़ी शादी में खाना नहीं पका सकती। तो ये भी सीखे है ना, तो ये जो कर्तव्य का है ना, हमें कर्तव्य ना भूले, जो हम कर्तव्य भूल जाते हैं ना जब, तो कभी वो टूट जाते हैं। तो कि फिर बेटा लगा नलायक हो गया तो आत्मा तो छूट गई, फिर भूल गई। अब बेटे की तरफ ही भाभी के जहाँ पर इसको क्या, ये तो नलायक बना, तो विराग भी छूट गया। ये तीनों चीज हुई, कर्तव्य का पालन करना, अपने अंदर आत्मा को देखना और दुनिया से झूठी समझ का राम नाम सत्य है। इसका मतलब जाते ही राम नाम सत्य है, देख लिया राम सत्य है ना, अब तो सत्य दुनिया छूट गई, दुनिया झूठी हो गई। उस वक्त याद कराने से क्या फायदा, याद तो पहले करना है। इसको राम नाम सत्य है तो ये बुरा शब्द नहीं है, तो जो बहुत बड़े बोलते हैं ना इसको लगता है तुम्हारे राम नाम सत्य हो गए। अब कहते हैं जैसे गीता कहते हैं, मैंने गीता सुनाई गीता सारी में पढ़ लेना कि सुनानी है, उसको सुने वो क्या सुनेगा, कहानी बंद हो जाती है। तो हमने आज एक ही विषय पर बोलते रहे और बड़े इम्पोर्टेंट विषय है कि प्रभु जी के चरण में आए हैं, प्रभु जी ने हमें ये जो मोक्ष का रास्ता दिखलाया है और उसके लिए ये शरीर भी मोक्ष के लिए, इसी में शरीर है, इसी में मन है, इसी में बुद्धि है, जिसको जो करती है। अब इस एक तरफा बह जाएंगे ना तो फेल हो जाएंगे, तीनों को साइमल्टेनियसली समान रूप में चलाना है, रोज योग करें और फिर हम ध्यान भी करें। ध्यान बैठने के लिए होता, ध्यान होता है करते रहने का। गीता में भगवान ने कहा ना कि देखो तुम ये याद करना है तो तुम्हें लड़ाई से भी रोकता नहीं, मैं लड़ू मुझे याद करते वो करता मेरी कर्तव्य और स्मरण इकट्ठा हो गया। तो ये कर्तव्य स्मरण इकट्ठा होता है, हम जैसे कई बार कहा ना आत्म से काम मन में राम, तो ये तो इकट्ठा चलेगा। कोई बैठ जाएगा माला फेर दो भर
तो बेटा रो रहा है स्कूल जाना है, तो वो कुछ नहीं ना, वो फिर करते भी छूट गया, आराम ना हो गया, वो तो एक सब्जेक्ट में फिर रह गया। फिर इसलिए काम करते रहना है, हम यही है तो आदमी की दिशा में जाते ना। मैं कहता हूं कि ये जो बैठ कर बहुत सारा ध्यान लगाना चाहते हैं ना, कहते मैं नहीं लगता, मैं जिनका लगता है वो भी करें, जिनका नहीं लगता वो काम करते हुए करें। तो मन बल जाए लगेगा और काम करते करने का अभ्यास हो जाए, काम करते करते राम याद करने का, तो दिन में 100 बार करोगे, 100 बार करोगे, अगर 4 बार फिर लिया 400 बार, 400 माला फिर ली, रोज अगर एक ही माला फेरोगे, सारा दिन कर लें, रात को नींद खुले तब भी करो, साथ सोए हुए हो विश्राम कर लो, चाहे राम राम कर लो। तो हम तो यही अब कहते हैं कि तो दंड नहीं है कि तुम नाम लिया है, तो तुमने जरूर बैठ कर ध्यान करना है, बैठो बैठ कर ध्यान 2-2 घंटे लेटे रहते हैं यानी करते हैं, उनको हम नहीं कहते तुम क्यों बैठे हो, जो लोग बैठते हैं वो करते नहीं, उनको कहते फिर तुम काम करते करते रहो। भाव या असली चीज को देखना है, ऐसे शब्द में नहीं जाना। तो प्रभु जी करें, हम प्रभु जी के शरण में आए हैं, शरीर का भी ध्यान रखें, मन का भी ध्यान रखें, बुद्धि का ध्यान रखें, फिर एक जन्म में नहीं तो कम से कम हम अगली श्रेणी में जरूर चढ़ जाएंगे, और ना करेंगे तो खतरा है स्कूल से निकाल दीजिएगा। बहुत अच्छा माँ परमेश्वर।